नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारत देश में होने वाली दिन रात बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हैं और उसके बाद आप देखते होंगे गिरफ्तारी भी होती है, और गिरफ्तारी होने के बाद कौन सी धारा लगती है, क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। हमारे भारत देश में चलता है आईपीसी, जिसे आप लोग जानते हैं इंडियन पेनल कोड बोला जाता है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता उसे हिंदी में बोलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत जो धाराएं लगती हैं, जिस पर मुकदमा होता है, जेल जाते हैं, वहां से फांसी तक पहुंचते हैं, उनमें क्या क्या होता है पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गंगोर धारा जो भी है, धारा 376 में कई पार्ट होते हैं, जिसमें का धारा 376 का ये कब लगती है, यदि कोई व्यक्ति पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष अपनी स्त्री के साथ संभोग करे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पति पत्नी है, उन दोनों में अनबन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है अर्थात सेक्स करता है, तो उसके ऊपर धारा 376 का लगती है। इस धारा में क्या सजा होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कौन सी धारा किस अपराध पर लगेगी, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। इसी की श्रेणी की ये भी आती है 376 खा, लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करना। जहाँ तक हम समझते हैं, इसका मतलब ये लोक सेवक मतलब जो सामाजिक सेवक हो, या मतलब सबकी सेवा करने वाला एक जिसे समाज सेवी के तौर पर लिया जा सकता है, और वो किसी स्त्री के साथ यानी कि अपने अभिरक्षा में मतलब अपने कब्जे में की गई या फिर उसके अंडर में करने वाली लड़की के साथ अगर वो स्त्री के साथ संभोग करता है, तो उसके साथ धारा 376 खा लगती है। और अगला इसी में का है, इसी शाखा का धारा 376 गा, जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। मतलब जहाँ तक हम समझते हैं, जैसे अगर कोई कैदी जेल में बंद है जो कि स्त्री है, अगर उस जेल का अधीक्षक उस स्त्री के साथ संभोग करता है, तो उस जेल अधीक्षक के ऊपर धारा 376 गा लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम एक धारा आपको ऊपर दिख रही है, इसको भी देख लीजिएगा, जो कि अलग श्रेणी की है। फिलहाल धारा 366 खा तब लगती है जब कोई विदेश से लड़की का आयात करता है, मतलब विदेश से कोई लड़की भारत में लाता है, मतलब गलत तरीके से। धारा 376 का खा आपने देख लिया था, गा भी देख लिया था, अब घा देखिए। इसमें और भी पार्ट है, चार पार्ट में ही होता है। घा, अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी वृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करना। कहने का मतलब ये है कि कोई अस्पताल है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उस अस्पताल में उपस्थित कोई भी दाई हो, नर्स हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी स्त्री है, अगर उस अस्पताल का प्रबंधन, अस्पताल का मालिक या अस्पताल में मतलब देखभाल करने वाले कोई भी उस स्त्री के साथ अगर संभोग करता है, तो उसके ऊपर धारा 376 का घा लगती है, 376 घा। और अगला अगर बात करें तो आईपीसी का धारा 477 का, ये लेखा का मिथ्याकरण, इसके बारे में अभी देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो भी न्यूज़, जो भी जानकारी हम आपको दिखाते हैं, इंटरनेट सोर्स के माध्यम से प्राप्त जानकारियों के आधार पर आप दिखाते हैं। आपको हमारी कोशिश होती है 100% करेक्ट हो, लेकिन अगर कहीं इसमें कोई चूक होती है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पीवीआर स्टडी किसी भी प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगली जो बहुत ही आप देख रहे हैं सामने धारा है 477 का, इसको तो आपने देख लिया, लेखा का मिथ्याकरण, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते फिलहाल। अगला देखते हैं 489 का। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि 477 के बाद 478 क्यों नहीं बताए, 479, 180 फिर 89 पे क्यों आ गए, क्योंकि कुछ ऐसी धाराएं हैं जो अक्सर प्रयोग में आती हैं, सुनने में आती हैं, कुछ ऐसी धाराएं इसके बीच में हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता विशेषकर, तो उनको नहीं यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। धारा 489 का ये तब लगती है जब करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटीकरण किया जाए। मतलब हमारे समझ से ये है, जहाँ तक हम समझते हैं, कि अगर कोई भी करेंसी नोट या बैंक के नोटों का जो कि भारत सरकार में चल रही हैं उनका कूटीकरण करता है, यानी अपने हिसाब से उनको मैनेज करता है, उनमें तोड़फोड़ करके उनको पब्लिश करने की कोशिश करता है, या फिर फर्जी नोट छापता है, जहाँ तक हम समझते हैं ये उसी से संबंधित होता है। तो अगर कोई नोट का व्यापार करता है, नोट से किसी प्रकार की छेड़खानी करता है, तो उसके ऊपर धारा 489 का लगती है, और फिर उसके आगे सेवा की जाती है।
आगे चलें, आगे देखिएगा, आगे है इसी में धारा 489 खा, कोटी रचित या कोटीकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना, मतलब कहने का ये है, उसी से संबंधित ये भी है, कोटीचरित या कोटीकृत करेंसी नोटों, मतलब कहने का ये है जिन नोटों में आपने कुछ चेंजिंग किया, हेर फेर किया है, जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं अगर गांधी जी की फ़ोटो लगी है और आपने उसमें गांधी जी का चश्मा उल्टा कर दिया है और आपने खुद से नोट छाप दिया और उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं सार्वजनिक प्लेस पर, तो ये दूसरी धारा के अंतर्गत आएगा, 489 के का में आएगा। लेकिन अगर जो नोट को बना रहा है, बनाने वाला बंदा 489 का के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, और जो नोटों को बना तो नहीं रहा है लेकिन उसको चला रहा है मार्केट में, सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर धारा 489 खा लगेगी। आगे देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, धारा से संबंधित सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। अगर आपको कुछ जाना है तो कमेंट अवश्य करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना तो दोबारा ना कहना पड़े, आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कृपया तुरंत लाइक कर दें, PBR स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहे और आप निसंकोच आगे देखते रहें। धारा 489 खा गा हो चुका है, अब घा आप देखेंगे। IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 489 घा गा आपने देख लिया। घा के अंतर्गत करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कोटी रचना या कोटीकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। देखिए 489 का उसके ऊपर लगेगी, जो बंदा उन नोटों को छापने का प्रबंधन करता है, मतलब उनमें हेर फेर करके उसको बनाने की कोशिश करता है। 489 की जो धारा नंबर खा है, मतलब दूसरी धारा, वो उसके ऊपर लगेगा जो उन नोटों को मतलब असली रूप में लाने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब असली रूप में लाने की कोशिश करता है, यानी कि उसको उसी रूप में ढालने की कोशिश करता है। और गा धारा उस पर लगेगी 489 की, जो उन नोटों को मतलब क्या करता है, कब्जे में रखता है, मतलब बनाया तो किसी और ने लेकिन उसने कब्जे में अपने रखा हुआ है, ठीक है। और 489 का जो घा है वो क्या करता है, उन नोटों को बनाने के लिए उपकरण उपलब्ध करवाता है और मतलब उनकी हेल्प करता है, सामग्री उपलब्ध करवाता है। और आगे अगर इसी में एक और भी धारा है नोटों से संबंधित ही, इंगा वाले में करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना करना, मतलब कहने का ये मतलब है कि देखिए कोई भी काम होगा तो एक कोई अकेला तो करेगा नहीं, उसके बंदे अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि किसी के मन में आया खुरापे, चलो भाई मैं 500 की नोट छापता हूँ भारतीय मुद्रा की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम, तो उसमें कोई क्या करेगा, मशीन उपलब्ध करवाएगा, कोई उस तरह की नोट के लिए कागज उपलब्ध करवाएगा, तो कोई उस तरह की नोट के लिए छापने के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा, तो बन जाएगा, तो कुछ ऐसे बंदे होंगे जो उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, किसी न किसी तरह से उसको मार्केट में फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जितने भी शामिल हैं हर एक विभाग में, उन सभी के ऊपर अलग अलग केस होगी, अलग अलग प्रकार की उनकी सेवा की जाएगी जब वो पकड़े जाएंगे तो, इसलिए कोई भी ऐसा करने की बिल्कुल कतई कोशिश ना करे। आगे चलें, धारा 498 का, अब आप कहेंगे 89 के बाद 98 कैसे आ गया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, जो वही हम आपको दिखा रहे हैं। 498 का, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्त्री के साथ जो इच्छा वो करें और जब मर्जी वो करें, ठीक है। देखिए 498 का के अंतर्गत होता है कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, क्रूरता मतलब अप्राकृतिक व्यवहार करता है, मतलब जैसे अब इसमें बहुत कुछ आता है, मार पिटाई करना या फिर अत्यधिक मारना पीटना या फिर और भी बहुत भी प्रकार की इसमें बातें आती हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते, आप समझ सकते हैं। या फिर उस पति का नातेदार, कोई रिश्तेदार है, उसका फ्रेंड है, या फिर उसका रिलेटिव का कोई भी है, सास ससुर है, या फिर उसकी ननद है, या घर की फैमिली का कोई भी है, अगर उस स्त्री के साथ क्रूरता करता है जो कि नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर धारा 498 का लगती है। दोस्तों इसके बाद हम आपको बता दें कि ये वीडियो तो बहुत छोटा है फिलहाल, आगे हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक तुरंत कर दीजिएगा बिना देर किए हुए, ठीक है। आगे अगर इसमें हम बात करें तो IPC की धारा 29-25, तो इतना लंबा होता नहीं है फिलहाल, इसमें कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है, ये धारा 292 है का, इसके अंतर्गत
विमर्शित और विदोष पूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म या किसी धार्मिक विश्वासों का अपमान करें, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। मतलब अगर आप कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म किसी धर्म को आहत करने के लिए, धार्मिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसके अंतर्गत धारा 292 का क्या लगती है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कुछ हमें यहाँ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आईपीसी के कानून धारा 161 से 165 तक जो है वो लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में है। ठीक है, समझ गए प्रिय मित्रों, ये वीडियो तो वायरल होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसको लगभग अभी तक 10 लाख लोगों ने देख लिया है। तो ये सामग्री हम बहुत मेहनत से आपके लिए जुटाते हैं, इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक प्रचार करना चाहते हैं, एक आप लोगों का सुझाव मांगना चाहते हैं कि आपके ही पैसे को देने में बैंक आपसे ही चार्ज क्यों लेता है। एटीएम खराब या खाली हो तो जुर्माना क्यों नहीं भरता है। आपने देखा होगा अक्सर भारत देश में, हम चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, अक्सर एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक लेकर बाइक या कार या पैदल चक्कर लगाते हैं, लेकिन पैसा नहीं निकलता। दूर से ही बहुत अच्छा बोर्ड लगा होता है, एटीएम खराब है, एटीएम में पैसे नहीं है। तो आखिर ऐसा समस्या क्या है, आप लोग इस पर मिस्ड कॉल कर दे करके एबीपी का अवश्य सपोर्ट करें। ऐसा एक वीडियो हमने भी बनाया हुआ है जो कि आपको दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे, और वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का बिल्कुल राइट वीडियो है। 3 जून को हमने उसको बनाया था, हमने 5 ATM विजिट किया था जिसमें से हमें एक भी ATM में कोई भी पैसा नहीं मिला था। उस वीडियो को हम अवश्य पब्लिश करेंगे। बड़ी दुर्दशा है, भारत में 1 लाख की आबादी पर मात्र 22 ATM उपलब्ध हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में 1 लाख की आबादी पर 68 ATM है। इसके साथ अगर बात करें चीन में, तो चीन में 1 लाख की आबादी पर 81 ATM उपलब्ध है। और इसके बाद अगर ब्राज़ील में बात करें, तो ब्राज़ील में 1 लाख लोगों पर 107 ATM मशीनें उपलब्ध हैं। अगर रूस में बात करें, तो रूस में 1 लाख व्यक्ति पर 164 ATM है। वहीं अगर बात करें ब्रिक्स देशों में, तो ब्रिक्स देशों में सबसे कम ATM भारत में ही है। याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों में सबसे कम ATM भारत में है। आखिर ऐसा क्यों, बैंकिंग सिस्टम इतना ख़राब क्यों? आपकी गाड़ी कमाई की जो पैसा है उसको आप बैंक में जमा करते हैं और फिर उसको आप निकालते हैं, तो उसमें बहुत तरह का चार्ज लगा दिया जाता है। यही नहीं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अप्रैल को अपना जो चार्जिंग का सिस्टम था उसको अपडेट किया है। पासबुक प्रिंट कराओगे तो उसका भी 15 रुपये लगेगा। अगर आप बैलेंस चेक करते हो अपने बैंक का जा करके बैंक से, उसका भी पैसा लगेगा। आपने ATM मशीन से पैसा चेक किया साहब, तो वो भी ट्रांजेक्शन में आता है, वो भी आपका ट्रांजेक्शन में जुड़ेगा। अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, आपका उसका भी चार्ज पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लास्ट वाला पार्ट वीडियो को अवश्य दिखाएं। इसको हमने लास्ट में इसलिए लगाया है क्योंकि ये वीडियो पक्का वायरल होगा, इसको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी बैंकिंग वालों की बैंड बजने वाली है और आपकी जो गाड़ी कमाई है ना वो सुरक्षित होने वाली है, क्योंकि आप अपने ही कमाई का पैसा जो जमा किए उसको निकालने के लिए एक ATM से दूसरे ATM दर दर भटकते हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता है। आपको ही नहीं, हमें भी ऐसा ही होता है, और ऐसे ही हमारे बहुत से भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, सब ऐसे परेशान हैं। तो आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, बैंक ATM देते हैं या चार्ज के नाम पर वसूली कार्ड देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, हमको इसको ABP न्यूज़ के माध्यम से ये सभी फ़ोटो मिली हुई हैं जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, ऐसे दूर से ही आपको बोर्ड लगा के दिखा दिए जाते हैं, और इसमें मैंने रियल वीडियो भी बना करके रखा हुआ है, उस वीडियो को भी हम आपको दिखा दें। आपका आदेश हो तो 1 मिनट आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, ये रियल वीडियो है प्रयागराज का, फाफा मऊ का, हमने खुद बनाया है, इसकी मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूँ। 3 जून 2019 रात्रि 9:30 बजे का ये वीडियो है, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं, देखिए ये हालात कहाँ का है, आपको पता है? ये हालात है प्रयागराज का। ये फाफा मऊ आप देख रहे हैं, फाफा मऊ लखनऊ रोड, यूनियन बैंक का ATM बंद है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो जो बगल वाला बैंक का ATM है ना, एक्सिस बैंक का, उसका मैं आपको अंदर से दृश्य दिखाऊंगा एकदम पास से लेकर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कौन सी इसके अंदर बीमारी है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, सब कुछ देखिएगा। इसमें मैं बताऊँ क्या लिखा है, ATM सर्विस इज अनअवेलेबल, वी रिग्रेट द इनकन्वेंस केस्ट, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है।
मतलब इसका आप लोग समझते होंगे। मशीनें तो दो दो लगी हैं, बट पैसा देने के लिए कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं, अभी हम आपको और आगे भी दिखाएंगे, देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। अभी हम आपको और आगे भी दिखाएंगे। ये हमारे द्वारा खुद के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, PVR स्टडीज़ की पूरी 100% गारंटी लेता है कि ये 3 जून की रात्रि 9:30 बजे ATM के दृश्य हैं, और अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, पापमो प्रयागराज में हमने 5 ATM विजिट किया था, और सभी के वीडियो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, तुरंत देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये तो एक हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे ATM पे, ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, हम दूसरे ATM पर आ चुके हैं, दूसरे ATM पर आ चुके हैं। ये है फाफामऊ तिराहा पर, जस्ट फाफामऊ तिराहा यानी प्रयागराज में सेंट्रल बैंक का ATM है, जिसकी शटर लगभग गिरी रहती है। 3 जून की रात्रि 9:30 बजे ये शटर इसी तरह का गिरी हुई थी। आप चलिए, हम चलते हैं SBI, भारत की सबसे बड़ी बैंक के ATM के पास, देखते हैं क्या दृश्य है उसके।